चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी थी? सेल खड़ी से। अगला है, वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। अगला है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की। अगला है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया उपनिषदों के लिए। अगला है, 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? बंगाल में। अगला है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 में। अगला है, खालसा का आरंभ किस से सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, अंग्रेजों का सबसे बड़ा संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के। अगला है, चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? कनिष्क के संरक्षण में। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांट कर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। अगला है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में? गुजरात में। अगला है, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक है? तो ये बैलगाड़ी का। अगला है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। अगला है, फुतुहत ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। अगला है, कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदोसी। अगला है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया? पल्लव वंश के शासकों ने। अगला है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। अगला है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। अगला है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। अगला है, स्वातंत्र्य उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। अगला, अजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मखली घोषाल। अगला, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। अगला, शिवाजी के पिता शाह जी भोसले मूलतः किस राज्य की सेवा में थे? अहमदनगर। अगला है, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। अगला है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। अगला है, राजस्थान के कालीबंगा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। अगला है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। अगला है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? क्रमशः शाहजहां औरंगजेब ने। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? कृषि से। अगला है, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। अगला है, 1878 के वर्नाकुलर क्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे ज्योतिबा फुले। अगला है, पेशावर के सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन है, खारवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश शासक था जलालुद्दीन खिलजी।
अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, भारत का पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने। अगला है, 1757 में अली नगर की संधि किन किन के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के विरुद्ध। अगला है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। अगला है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। अगला है, अशोक के अधिकांश अवलेख किस लिपि में? ब्रह्म लिपि में, ब्रह्मी लिपि में। अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? ये था अंगुनर निकाय। अगला है, किसमें लिखा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से, शूद्र की विष से की जानी चाहिए? ये थे वराह मिहिर। अगला है, वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का वर्णन किया? तो यह बेहद सही था। अगला है, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? सैन गुट्टवन लाल चेर को। अगला है, 1883 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने सेवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? ये थे चामुंड राय। अगला है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन था? हमीद कलंदर। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो 1878 में, लॉर्ड लिट्टन। अगला है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है, मलिक कपूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? पीताम रुद्र देव। अगला है, कैरट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। अगला है, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ की? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। अगला है, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का। अगला है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की दिशा में शिक्षा किसने दी थी? गौतम बौद्ध ने। अगला है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? श्री रंगपट्टनम। अगला है, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। अगला है, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवीय राज्य की। अगला है, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाज सनेही संहिता। अगला है, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो ये थे प्लिनी। अगला है, भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने। अगला है, गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया सुत निपात में। अगला है, चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहा से। अगला है, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया? विलाम। अगला है, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? दूध देने वाली गाय के लिए। अगला है, हमारा खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के विदेशों अधीनस्थों राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। अगला है, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की गुर्जरा। अगला है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। अगला है, सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में। अगला है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को। अगला है, चंदेल वंश का संस्थापक थे नन्नू। अगला है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाखदत्त की। अगला है, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? रुद्र दामन फर्स्ट ने। अगला है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अगला है, वाद राय का
ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। अगला है, बुद्ध की पिथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा को। अगला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थ कौन थे? ऋषभदेव। अगला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। अगला है, पैरा मीराकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़। अगला है, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 में। अगला है, डलहौजी लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया? सतारा को। अगला